हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को लेसन फोर में जो आप लोगों का ये दीपावली वाला चैप्टर है उसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पेपर में लेसन 4 से लेकर 10 तक आएगी और 21 तारीख से आप लोगों को पेपर है, तो अभी पेपर तक रिवाइज चलेगी। तो चलिए लेसन 4 में सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ाते हैं। है आलोकियन, आलोकियन का मतलब होता है प्रकाशित करते हैं, स्वगृहाणी अपने घरों को। उसके बाद है शुद्ध्यालिम्पति, शुद्ध्यालिम्पति मीन्स होता है चूने से पोतते हैं, जैसे घर को पुताई करवाते हैं, घर को घर में पुचारा करवाते हैं, वही हुआ। उसके बाद है अस्फोटक पदार्था नाम, अस्फोटक पदार्था नाम का मतलब होता है पटाखों का। दीपानांग, दीपानांग का मतलब होता है दीपकों की। लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्रति वर्षम, प्रत्येक वर्ष। पड़वह, पड़वह का मतलब होता है त्योहार। हत्वा, हत्वा मीन्स होता है मारकर। स्वच्छानी, साफ। भूषयन्ति, सजाते हैं। नूतनानी, नए। पूजनम, पूजा। तो चलिए आप लोगों का शब्दार्थ जो इसमें है उसको मैं एक बार पढ़ा दी हूँ, आप लोग खुद ही से लर्न कीजिएगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक्स को अंदर से भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो ये चैप्टर में ये जितना भी ये चीज़ है श्लोक, ये मैं अंदर से भी उठा के दे सकती हूँ। ये नहीं है जो कि क्वेश्चन में जो होगा वही होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ की अर्थ समझा चुकी हूँ, तो मैं बीच बीच से उठा के दे दूँगी अर्थ अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और नीटली देखें, हर क्वेश्चन को टच करें, क्योंकि 30 मार्क आप लोगों के ऑब्जेक्टिव भी रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। तो पहला नंबर में क्या है, दीपावली पर्व कदा भवति। दीपावली पर्व जो है वो कब होते हैं, दीपावली पर्व कार्तिक मासस कृष्ण पक्षस अमावस्या तिथो भवति। ठीक है, उसके बाद है ख में है अस्मिन् अवसरे जना किं कुर्वन्ति। अस्मिन् अवसरे जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति, रात्रौ लक्ष्मी पूजयन्ति, मिष्ठान्नानि फलानि च वितरन्ति। इसमें क्या करते हैं, इस अवसर पे क्या करते हैं, लोग नया नया कपड़ा पहनते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं और रात को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद एक घर से दूसरे घर में प्रसाद बांटते हैं और मिठाई बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर गौ में चलिए, जना गृहाणी कथम आलोकयन्ति। तो क्या है, जना गृहाणी आगंतुकेभ्य आलोकयन्ति। क्वेश्चन नंबर घ, सर्वे जना किं धारयन्ति। सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। जना बंधुभ्य किं यच्छन्ति। जना बंधुभ्य मिष्ठानि यच्छन्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, अस्मिन् अवसर, दूसरा नंबर है निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो क्या है, कौन नंबर में है, अस्मिन् अवसरे विद्यालयेषु भवन्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्यालयेषु च अवकाशः भवन्ति। क्या क्या होता है, कार्यालय, इस अवसर पे विद्यालय और कार्यालय में अवकाश होते हैं। ख नंबर में है दीपानां प्रकाशेन अंधकारं दूरं भवति। दूसरा में क्या होगा, अंधकारं, ये जो दीप के प्रकाश से क्या होता है, अंधकार दूर होते हैं। सर्वे जना स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति। सभी लोग अपने घर को क्या करते हैं, स्वगृहाणि मीन्स होता है अपने घर को साफ, स्वच्छानि मीन्स होता है साफ करते हैं। ओके, घर नंबर में है श्री रामः सीतया लक्ष्मण सह च अयोध्याम आगच्छत। श्री राम सीता किसके साथ अयोध्या आए, लक्ष्मण के साथ। जना स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, लोग क्या करते हैं, स्वगृहाणि अपने घर को स्वच्छानि कुर्वन्ति। गौ नंबर क्वेश्चन और वाम नंबर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है, तो सिर्फ शब्द का अंतर है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या है, बंधुभ्य संधि कीजिए, यहाँ पे संधि विच्छेद किया हुआ है और संधि करना है। तो क्या है, बंधुभ्य प्लस च, तो क्या हो जाएगा, बंधुवेश, क्या हो जाएगा, बंधुभ्यश, मनोहरे, मनोहरे प्लस च, क्या होगा बेटा, मनोहरेश, क्या हो जाएगा, मनोहरेश। ओके, तो उसके बाद चलिए इसके आगे के क्वेश्चन दिखाती हूँ। उसके बाद है अस्मिन् अवसरे,
अस्मिन प्लस अवसरे क्या बन जाएगा, अस्मिन अवसरे, तस्मीन प्लस एव तस्मिनेव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको 3 तक पढ़ा चुकी हूँ, आज रिवाइज करवा दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी बेटा। ओके, थैंक यू।